और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा से आने वाली मुनक नहर बवाना के पास टूट गई है। बवाना के जेजे कॉलोनी में नहर का पानी घुसने से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। हरियाणा से आने वाली मुनक नहर बवाना के पास टूट गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पानी भर गया है वहां पर, जेजे कॉलोनी है ये जहां पर ये पानी भर गया है, जिस वजह से वहां पर रह रहे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। पानी के बीच में देखिए, इस तरीके से अगर स्टोर अप पानी हो जाएगा तो कई बीमारियों का खतरा भी और ज्यादा बढ़ जाता है। जेजे कॉलोनी में पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग काफी ज्यादा परेशान है। हरियाणा से आने वाली ये मुनक नहर बवाना के पास टूट गई है और इस मुनक नहर के टूटने की वजह से पानी ही पानी जेजे कॉलोनी में अब आफत का सबब बनता हुआ जेजे निवासियों के लिए नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज शर्मा दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। नीरज, कब से इसी तरह की स्थिति यहां पर है और वहां के जो निवासी है क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है? आप सुन पा रहे हैं नीरज हमें? जी, मैं आपको बता दूं कि नहर रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में टूटी थी। जिस हिसाब से पूरे नहर पूरी कॉलोनी के अंदर, ये बराबर में कॉलोनी है इसके, बवाना जैसे कॉलोनी जिसके अंदर पूरे का पूरा पानी इसमें भर गया है। अगर एक बार और सोची जाए तो दिल्ली के अंदर एक बार फिर पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि बवाना से की जो नहर है ये टूट चुकी है। मुनक हरियाणा से पानी इस दोनों नहरों के जरिए आता था, जिसमें एक नहर टूट गई है रात को 1 से 2 बजे के बीच में और बवाना जैसे कॉलोनी के अंदर पूरा पानी पानी भर गया है। लोग काफी परेशान है, जनता पूरे रोड पे आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव आप देख सकते हैं, किस तरीके से पानी जब टूटा है, नहर टूटी है, पानी का बहाव काफी तेज था, जिस तरीके से ये कॉलोनी के अंदर पानी घुसा है, तो कहीं ना कहीं एक आफत के दिल्ली के लिए एक बड़ी आफत जो है हो सकती है, क्योंकि पानी की कमी दिल्ली के अंदर एक बार फिर दोबारा हो सकती है। जी, मुनक नहर बवाना के पास टूट कैसे गई, इसके पीछे के कोई कारण साफ हो पाए हैं अभी तक नीरज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन मौके पर पहुंचा जरूर है। वो यही जानने की कोशिश कर रहा है कि नहर टूटी है या कोई गलत तरीके से इस नहर को तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं दो सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी नहर पक्की नहर है। अगर कच्ची नहर होती तो समझ में भी आता है कि ठीक है, पानी का बहाव काफी तेज आता है इस नहर के अंदर, तो कच्ची नहर थी। मगर अगर बात देखी जाए तो ये भी 4 से 5 साल पहले पूरी नहरें जो है पक्की की गई है, सीमेंटेड पक्की की गई है, और ये टूट कैसे गई है कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। फिलहाल प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और जांच कर रहा है। ये जेजे कॉलोनी में नीरज, जहां पानी का जलभराव इस तरीके से अब हो गया है, यहां से पानी की निकासी के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पानी की निकासी अभी करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जब तक नहर हरियाणा के अंदर से पानी का जो प्रेशर है वो कम नहीं किया जाएगा, इस नहर के अंदर पानी नहीं रोका जाएगा, जब तक पानी की जो निकासी है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि लगातार पानी की निकासी, पानी का जो बहाव है वो तेज बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि हरियाणा के अंदर भी पता चल चुका है कि नहर टूटी है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर को रिलीज कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि एकदम अगर बात करें दिल्ली का प्रेशर, दिल्ली के अंदर पानी की बहुत शॉर्टेज हो सकती है जिस तरीके से ये नहर टूटी है। क्योंकि अगर फिलहाल पानी की बात करें तो कॉलोनी के अंदर पूरा पानी भरा हुआ, निकासी कि अभी कोई सुविधा यहां पर है भी नहीं, और जिस तरीके से अगर अगर 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर पानी यहां पर कम नहीं किया गया नहर के अंदर, तो बहुत बड़ा हादसा भी इस कॉलोनी के अंदर हो सकता है। जी, तो मुनक नहर के पास जिस जगह पर वो टूटी है वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है फिलहाल? नहीं, देखिए, पानी का जो भाव है वो काफी तेज है, मरम्मत का काम अभी नहीं चल सकता, जब तक पानी का प्रेशर पीछे से कम नहीं किया जाएगा, नहर को सूखा नहीं जाएगा, नहर का पानी रोका नहीं जाएगा, जब तक कोई मरम्मत यहाँ पर नहीं की जा सकती है। फिलहाल जो प्रशासन है वो मौके पे अलर्ट हो चुका है और जितनी भी कोशिशें हैं वो इस टाइम यही कर रहा है। हरियाणा के अंदर भी बात की जा रही है कि जिस तरीके से पानी का बहाव जो है एक नहर के अंदर रोका जाए और दूसरी नहर जो बराबर में चल रही है उसका बहाव बेशक तेज कर दिया जाए, उसका प्रेशर थोड़ा तेज करा जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी पानी की स्थिति जो है काफी खराब होती जा रही है, दिल्ली के अंदर भी पानी की स्थिति काफी टाइम से खराब है, और अगर इस तरीके से ये हादसा हुआ, जिस तरीके से ये नहर टूटी है, तो दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के लोगों को तो मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, जेजे कॉलोनी के लोग भी मुसीबत में पड़े हुए हैं, इनके लिए कोई हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से हाल फिलहाल में? देखिए, प्रशासन जो है पूरा अलर्ट है, प्रशासन काफी यहाँ पर राउंड भी ले रहा है, काफी लोगों को बातचीत भी कर रहा है, प्रशासन का जो माइक अभियान है वो भी यहाँ पर चल रहा है, कि जिस तरीके से प्रशासन जो है लोगों को अलर्ट कर रहा है कि आप अपने घर से थोड़ा बाहर आ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से पानी का प्रेशर है वो काफी तेज है और गलियों के अंदर भी पानी है, पानी जो है घरों के अंदर भी घुसना शुरू हो चुका है, क्योंकि जब तक पानी पीछे से ये हरियाणा की तरफ से पानी नहीं रुकेगा जब तक जो है कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है नीरज, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे, शुक्रिया फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, मुनक नहर टूट चुकी है बवाना के पास और वहां से जेजे कॉलोनी में सारा पानी का बहाव इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कितनी तेजी से पहुंच रहा है।